तो देहरादून में आज से दो दिवसीय आईएएस वीक की शुरुआत होने जा रही है। आईएएस वीक के दौरान मुख्य सचिव और अन्य विभागों से जुड़े आईएएस अधिकारी अपने विभागों की प्रगति का ब्यौरा भी रखेंगे। आईएएस वीक का उद्घाटन मुख्य सचिव उत्पल कुमार सुबह 10 बजे करेंगे। दो दिनों के आईएएस वीक के कई सत्र चलेंगे। और कुलदीप इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, दो दिन का आईएएस वीक ये चलने वाला है, अपनी प्रगति रिपोर्ट इसको लेकर रखे जाएंगे, किस तरीके से इसका संचालन होगा, कितने बजे इसकी शुरुआत? देखिए आज शिल्पा, आज से आईएएस वीक की शुरुआत हो रही है। शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। सचिवालय के वीरचंद सिंह गढ़वाली जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वहां पर इसकी शुरुआत होगी। तो सुबह 10 बजे से शुभारंभ मुख्य सचिव इसका करेंगे और उद्घाटन सत्र में उनका एक संबोधन भी होगा, बहुत छोटा सा संबोधन होगा। उसके बाद अलग अलग सेशन इसमें चल रहे हैं, तकरीबन 5 सेशन होंगे जिसमें कि ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डेवलपमेंट, ईज ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड लाइवलीहुड और इसके साथ ही ईज ऑफ ई गवर्नेंस। तो ये तमाम सारे सेशन होंगे, 5 सेशन सुबह से शाम तक चलेंगे और तकरीबन हर जो सेशन होगा 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच इतना इसका वक्त रखा गया है, जिसमें कि हर जो विभाग के सचिव हैं उन्हें भी बोलने का मौका मिलेगा। तकरीबन 10-10 मिनट का वक्त इसके लिए रखा गया है, जिसमें कि संबंधित विभागों के जो प्रमुख सचिव हैं या फिर जो सचिव हैं वो अपने विभाग की प्रगति का ब्यौरा भी रखेंगे, वो अपने जो क्या उद्देश्य विभाग का है और क्या विभाग का आगे लक्ष्य है उसको भी सामने पर रखेंगे। इसके अलावा सबसे बेहतर बात इस बार ये भी देखने को मिलेगी कि सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उन्हें भी हर सेशन के बाद तकरीबन 30-40 मिनट का डिस्कशन का वक्त मिलेगा और इसमें जो भी जिलों में योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो केंद्र की या राज्य की, अगर उन योजनाओं में किसी भी तरीके की उन्हें दिक्कतें आ रही हैं सामने या किसी भी तरह का जो सामंजस्य स्थापित होना चाहिए शासन और जिलों के बीच में, वहां पर कोई गड़बड़ हो रही है, वहां पर कोई दिक्कत हो रही है, तो वो अपनी परेशानियों को भी शासन के सामने रखेंगे, क्योंकि 1-to-1 डिस्कशन होगा, शासन के तमाम सारे सचिव भी इसमें मौजूद रहेंगे, तो सचिवों के सामने भी वो जो भी जिलाधिकारी हैं वो अपनी बात रखेंगे। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है और जो पांचवा सेशन होगा, पांचवा सेशन ई गवर्नेंस पे होगा। ई गवर्नेंस को लेकर जिस तरीके से सरकार ने सीएम हेल्पलाइन चलाई है, इसके अलावा सीएम डैशबोर्ड है, तो उनमें किस तरीके से प्रगति हो रही है। ई कैबिनेट की शुरुआत राज्य सरकार ने की है, जिसमें कि हम मंत्रियों को सीधे बिना कागजों के ही लैपटॉप पर पूरे कैबिनेट के जितने भी पॉइंट्स, जितने भी बिंदु कैबिनेट के आने हैं वो उनके सामने होंगे। इसके अलावा कैबिनेट किस तरीके से ई कैबिनेट में काम कर रही है, तो तमाम सारे इश्यूज रहेंगे जिनको लेकर आज से इसकी शुरुआत हो रही है। कल का जो सेशन रहेगा, कल के सेशन में मुख्यमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री का जो लास्ट का सेशन होगा उसमें मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे प्रदेश के तमाम आईएएस अधिकारियों को और वो सरकार का विजन भी, हालांकि सरकार का विजन पहले से ही शासन के सामने रहता है, क्लियर रहता है, लेकिन वो आगे शासन के अधिकारियों को संबोधित करेंगे और अपने संबोधन में वो बताएंगे कि राज्य सरकार आगे क्या चाहती है, किस तरीके से आगे नौकरशाही को काम करना है, सरकार के जो लक्ष्य हैं किन लक्ष्य की ओर किस तरीके से बढ़ना है, तो तमाम सारे बिंदु रहेंगे। लक्ष्य भी डिसाइड होंगे यहाँ पर और प्रगति रिपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर रखी जाएगी, तमाम चर्चाएं भी यहाँ पर होंगी। आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका।